कोरोना वायरस को लेकर मथुरा जेल प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जेल में बंदियों से सप्ताह में एक ही दिन मुलाकात हो पाएगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जेल प्रशासन ने फैसला लिया है और जेल प्रशासन ने जेल के गेट पर एक नोटिस चस्पा किया है और अग्रिम आदेश आने तक इसी प्रकार मुलाकात कराई जाएगी। जेल अधीक्षक ने बताया कि जो लोग बंदियों से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, उन लोगों के हम सेवलों से हाथ धुलवाते हैं और जो बंदी अदालत जाते हैं तो हम उनको मास्क लगाकर अदालत भेजते हैं। वापस लौटने पर उन बंदियों के हाथों को सेवलों से हाथ धुलवाकर अंदर करते हैं और हमने इस संक्रमण से बचने के लिए बंदियों के समय में कटौती की है। पहले बंदी सप्ताह में 3 मुलाकात कर सकता था, प्रत्येक मुलाकात में 3 लोग मुलाकात कर सकते थे। अब हमने विचाराधीन कैदियों से मुलाकात सप्ताह में 1 दिन ही कर दी है। सप्ताह में 1 व्यक्ति ही कैदी से मिल सकता है और बाहर से आने वाला भी 1 ही व्यक्ति मुलाकात कर सकता है। जो व्यक्ति मुलाकात के लिए आएगा उसके हाथों को सेवलों से धुलवाया जाता है और मास्क लगाकर ही उसे अंदर भेजा जाता है। बिना फेस मास्क के किसी भी व्यक्ति को मुलाकात नहीं कराई जाती है। जिन लोगों के पास से फेस मास्क नहीं है, उन लोगों को हम जेल में बना हुआ फेस मास्क देते हैं। हम लोग उस फेस मास्क को सिर्फ 10 में उन लोगों को देते हैं और जो जेल के अंदर विचाराधीन कैदी है, वह भी मुंह पर मास्क लगाकर अपने लोगों से मुलाकात करते हैं, जिससे दोनों सेफ रहते हैं। जो लोग बीमार हैं या संदिग्ध है, उन लोगों को विचाराधीन कैदियों से नहीं मिलाया जाता। इस समय मथुरा जेल में तुम हो, तो मथुरा जेल में कोरोना वायरस के चलते क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं उनसे बचने के लिए? जी, मथुरा जेल में कोरोना वायरस से बचने के लिए जेल के अधिकारियों ने मास्क की व्यवस्था की है, जो कि मास्क अंदर वाले सभी बंदियों को बंटवाए गए हैं और सबको चेतावनी दी गई है कि कोई भी मुलाकात पर बगैर मास्क के कोई भी बंदी अपने परिजनों से मुलाकात नहीं करेगा। और जेलर साहब ने ये भी कहा है, जो बाहर से हमारे परिजन आ रहे हैं उनसे भी ये कहा है कि वो भी बगैर मास्क के जेल में प्रवेश नहीं करेंगे और उनकी उनके लिए भी मास्क की जेलर साहब ने व्यवस्था कराई है। और हमारी जेल में मास्क बनाने का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है और सेवलॉन से सैनिटाइजर से हाथ धुलने की व्यवस्था हर आधे घंटे पे की जा रही है। सभी लोग अंदर आएंगे, बाहर वाले भी आएंगे तो उनको भी हाथ साफ कराए जाएंगे और मास्क पहनाया जाएगा। सर बताएं, मथुरा जेल में कोरोना वायरस के बचाव के चलते क्या क्या व्यवस्थाएं की गई और क्या क्या परिवर्तन किया गया है? कोरोना वायरस से बचाव के लिए सबसे पहले हम लोग ने फेस मास्क बनाना स्टार्ट किया था। उसके बाद हम अपने बंदियों के और बाहर से आने वालों के हाथ डिटॉल युक्त पानी से या अब तो सेवलॉन से धुलवा रहे हैं और बंदी तो लौटते समय भी इनको हम हाथ धुला के जेल के अंदर जाने दे रहे हैं, बैरक्स में जाने दे रहे हैं। इसी प्रकार अदालत जाते हैं तो हम उनको फेस मास्क लगा के उनके हाथ धुलवा के भेजते हैं। किंतु और इसमें तेजी लाने के लिए कि संक्रमण किसी तरह न फैल सके, हम लोगों ने बंदियों की मुलाकात में कटौती की है। पूर्व में एक विचाराधीन बंदी हफ्ते में 3 मुलाकात कर सकता था और प्रत्येक मुलाकात के समय उसको 3 बाहर के 3 लोग मिल सकते थे। संक्रमण से बचाव के लिए हमने वर्तमान में प्रत्येक विचाराधीन बंदी को सप्ताह में सिर्फ 1 मुलाकात करने की अनुमति दी है और बाहर से मिलने वाला सिर्फ 1 ही व्यक्ति आ सकेगा एक बंदी से मिलने के लिए। बाहर से आने वाला व्यक्ति सैनिटाइज्ड रहेगा, मतलब अपने हाथ को हमारे द्वारा उपलब्ध कराएगा, पानी या सैनिटाइजर से धोएगा और फेस मास्क लगाएगा। बिना फेस मास्क हमने किसी को भी अलाउ नहीं किया है। जिनके पास फेस मास्क नहीं है, हमने जेल में बना हुआ फेस मास्क उनको प्रोवाइड किया और हमारे फेस मास्क हमने उनको सिर्फ 10 रुपये की कीमत पे दिए।